मेरे मन में अभी एक सवाल है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है और प्रभु यीशु हमें पापी नहीं मानते हैं। भले ही हम अक्सर पाप करते हैं, फिर भी यदि हम प्रभु के सामने उन्हें स्वीकार कर पश्चाताप कर लें तो क्षमा मिल जाएगी। हाँ। उद्धार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए परमेश्वर के अंतिम दिनों के न्याय कार्य को पाना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इस सवाल के जवाब में आप हमें कुछ बताइए। ठीक है, आजकल बहुत से लोग जो वास्तविक मार्ग का अध्ययन करते हैं वे इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। आज हमें इस बारे में अवश्य बातचीत करनी होगी। बहुत अच्छा। दरअसल अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने जो किया वह केवल छुटकारे का कार्य था, अंत के दिनों में किए गए न्याय और मनुष्य जाति के शुद्धिकरण का काम नहीं था। जब हमने प्रभु में विश्वास किया तो सिर्फ हमारे पापों को क्षमा मिली, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने, उनसे संवाद करने और उनके अनुग्रह और आशीर्वाद पाने की योग्यता मिली। हम अक्सर ऐसे उद्धार की ही चर्चा करते हैं। दरअसल ये उद्धार हमारे पापों से क्षमा और कानूनी व्यवस्था के दंड से पूरी तरह छुटकारे के बारे में है। उद्धार का सही अर्थ यही है। व्यवस्था के युग में कार्य का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश से कोई संबंध नहीं है। जब प्रभु यीशु का आगमन हुआ तो उन्होंने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु ने जो उपदेश दिया वह पश्चाताप के मार्ग के बारे में था। उन्होंने जो किया वह छुटकारे का कार्य था। ये सब अंत के दिनों में न्याय के कार्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए थे। हमारे पापों को क्षमा कर दिए जाने के बावजूद हमारा पापी स्वभाव अब भी हमारे हृदय में बसा हुआ है। हम पर अब भी शैतान की प्रकृति का दबदबा और नियंत्रण है। हम अभी भी अनजाने में पाप करते रहते हैं। हम अक्सर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर उनको धोखा देते हैं। हम दूसरों से ईर्ष्या करने, उन पर अपनी राय बनाने और चीजों को परखने के लिए अपनी धारणाओं और कल्पना पर भरोसा करने में सक्षम हैं। हालांकि हम प्रभु के नाम पर व्यय और मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ पुरस्कार और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए करते हैं। हम प्रभु का फायदा उठा रहे हैं, उनसे मोल तोल कर रहे हैं। हम सच में प्रभु से प्रेम नहीं करते और ना ही उनकी आज्ञा मानते हैं। प्राकृतिक विपदाओं, मुसीबतों और तमाम परीक्षणों के समय हम प्रभु से शिकायत करते हैं, प्रभु पर अपनी राय बनाकर उनकी निंदा करते हैं। क्या ये सच नहीं है? प्रभु में हमारे विश्वास की यही सच्चाई है। क्या हम में से प्रभु में विश्वास करने वाले लोग ये देख पाते हैं कि हम अब भी अक्सर पाप क्यों करते हैं? और हमारे पापों को क्षमा मिल जाने के बाद भी हम प्रभु से विद्रोह क्यों करते हैं? हम अब भी अपने पापी स्वभाव के चंगुल में फंसे हैं और क्यों उसके नियंत्रण में हैं? क्यों हम प्रभु में विश्वास करने के बावजूद शैतान के भ्रष्ट स्वभाव वाला जीवन जी रहे हैं? उदाहरण के लिए, हमारा घमंड, कुटिल छल कपट, नीच स्वार्थ और पाखंड वगैरह, ये सब शैतान के स्वभाव के रूप हैं जो पापों से भी अधिक गंभीर हैं। इनको साफ तौर पर कौन पहचान सकता है? प्रभु यीशु ने मनुष्य के पापों को क्षमा किया, प्रभु ने मनुष्य के शैतानी स्वभाव को क्षमा नहीं किया है। प्रभु में किसी व्यक्ति ने चाहे कितने भी समय से विश्वास किया हो, यदि उसके शैतानी स्वभाव का शुद्धिकरण नहीं हुआ हो तो वह अब भी परमेश्वर का प्रतिरोध कर उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसा ही है ना? हाँ, सचमुच। हाँ, बिल्कुल सच। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अनेक बार अंत के दिनों में अपनी वापसी की भविष्यवाणी की थी। उनके दूसरे आगमन का उद्देश्य हमारे पापों की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना था, यानी हमारे हृदय से शैतानी प्रकृति और स्वभाव को पूरी तरह से खत्म कर देना। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन होता है, प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की नींव पर। वे सत्य को व्यक्त कर परमेश्वर के आवास से आरंभ कर न्याय का कार्य करते हैं। आमीन। उस शैतानी प्रकृति तथा स्वभाव का न्याय और शुद्धिकरण करने के लिए जिस कारण हम मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं, और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमें पाप के चंगुल से पूरी तरह से छुड़ाने के लिए। आमीन। 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 सच कहा। इसलिए
अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य का अनुभव करके ही हम शैतानी स्वभाव को छोड़कर शुद्धिकरण पा सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले, उनकी आराधना करने वाले बन सकें, आमीन, और उद्धार तथा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकें, आमीन। परमेश्वर, आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के कुछ और उद्धरण पढ़ें। बहुत अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम जैसा पापी जिसे अभी अभी छुड़ाया गया है और परिवर्तित नहीं किया गया है या परमेश्वर के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम्हारे लिए तुम जो अब भी पुराने मनुष्यत्व के हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था, और यह कि परमेश्वर के उद्धार के कारण तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है, परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पाप पूर्ण नहीं हो और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुमने अपने आप को नहीं बदला है तो तुम संत के समान कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता के द्वारा घिरे हुए हो, स्वार्थी एवं कुटिल हो, फिर भी तुम चाहते हो कि यीशु के साथ आओ। तुम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में एक चरण में चूक गए हो। तुम्हें महज छुड़ाया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बदलने एवं शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुड़ाया गया है तो तुम शुद्धता को हासिल करने में असमर्थ होंगे। इस रीति से तुम परमेश्वर की अच्छी आशीषों में भागी होने के लिए अयोग्य होगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंध करने के, परमेश्वर के कार्य के एक चरण को पाने का सुअवसर खो दिया है, जो बदलने एवं पूर्ण करने का मुख्य चरण है, और इस प्रकार तुम एक पापी जिसे बस अभी अभी छुड़ाया गया है परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ है। अब मैं ये पढ़ूंगा। बहुत अच्छा। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया है, उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे के कार्य को पूरा किया और मनुष्य की पाप बलि बना, मनुष्य को उसके भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया, शैतान के प्रभाव से मनुष्य को पूरी तरह बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि के रूप में मनुष्य के पापों को लेना आवश्यक था, बल्कि मनुष्य को उसके भ्रष्ट स्वभाव से पूरी तरह मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़े कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसे शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिए जाने के बाद एक नए युग में मनुष्य की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर वापस देह में लौटा और उसने ताड़ना एवं न्याय के कार्य को आरंभ किया, और इस कार्य ने मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में पहुंचा दिया। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़ी आशीषें प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य मार्ग और जीवन को प्राप्त करेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य के अर्थ और उसके परिणामों का खुलासा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में किया गया है। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कार्य मनुष्य जाति के संपूर्ण शुद्धिकरण और उद्धार के लिए है, जो मनुष्य जाति को एक अच्छी मंजिल तक पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आमीन, आमीन। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निर्णय का अनुभव करने के बाद हम सब भ्रष्ट मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की दया और उद्धार देखते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि शैतान ने हम लोगों को बहुत अंदर तक भ्रष्ट कर रखा है, कि हम सभी शैतान की प्रकृति के चंगुल में उसके द्वारा नियंत्रित हैं। हम अक्सर अनजाने में पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं और दर्द भरा जीवन जीते हुए हम खुद को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। भ्रष्ट मनुष्य जाति की जरूरतों के अनुसार परमेश्वर अंत के दिनों में देह धारण करते हैं और मनुष्य के शुद्धिकरण और न्याय के लिए सत्य व्यक्त करते हैं, उसको पापों से पूरी तरह से बचाने, ताकि वह उद्धार पाकर
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। यह मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। आमीन। आमीन। सही परमेश्वर का। पर बहुत से लोग उनके उद्धार के लिए परमेश्वर के इरादे को समझ नहीं पाते और अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य को लेकर नाना प्रकार की धारणाएं पैदा करते हैं। वे मान लेते हैं कि प्रभु में विश्वास करना, उनके नाम से प्रार्थना करना, अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करना और फिर उनके लिए कड़ी मेहनत कर प्रभु की सराहना पाने और प्रभु की वापसी पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए काफी होगा और परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण तथा न्याय कार्य की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा मान लेना हमारी अपनी धारणा और कल्पना नहीं है? हाँ। क्या आप सब ये सोचते हैं कि यह हम जैसे लोग जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं पर जो अब भी परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य होंगे? नहीं, यह असंभव है। क्या परमेश्वर का प्रतिरोध करने वालों को स्वर्ग के राज्य में रहने की अनुमति मिल सकती है? नहीं, मिल सकती। अंतिम दिनों में परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण तथा न्याय कार्य के बिना क्या हम पाप से बचकर पवित्र हो सकते हैं? क्या आप बताएंगे मुझे? नहीं, हम नहीं हो सकते। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये निश्चित है कि प्रभु यीशु से केवल छुटकारा पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने हेतु हम शुद्धिकरण और उद्धार नहीं पा सकते। आमीन। की वार्तालाप कितनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के बारे में आप सबकी बातें कितनी व्यवहारिक हैं हमारे लिए ये ज्ञान में है। प्रभु में वर्षों विश्वास करने के बाद अनजाने में पाप किए हैं, उन्हें स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद दोबारा पाप किए हैं। ये जाने बिना कि पाप की जड़ें हैं तो आखिर हैं कहां? मैं चकराया हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं पाप के चंगुल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा था। अब मैं समझ गया हूं कि प्रभु यीशु ने जो किया वो केवल छुटकारे का कार्य था। प्रभु में हमारे विश्वास के कारण उन्होंने हमारे पाप क्षमा कर दिए, पर शैतान का स्वभाव हमें जड़ों तक समाया हुआ है। बिल्कुल सच। जब तक इस पापी स्वभाव का खात्मा नहीं हो जाता, कोई आश्वासन नहीं कि हम फिर से पाप नहीं करेंगे और प्रभु का प्रतिरोध नहीं करेंगे। सच है। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य को पाने अनुभव करने की जरूरत है ताकि हम शैतानी स्वभाव से छुटकारा पा सकें, शुद्धिकरण करके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आमीन। 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 पहले हम परमेश्वर में विश्वास करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के मामले में एक तरफा थे। परमेश्वर पवित्र और धर्मपरायण है। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण का अनुभव किए बिना हम जैसे दूषित और भ्रष्ट लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने और उनका वचन पाने की कामना करना एक भ्रम है। हाँ, सच में ऐसा ही है। ये सब हमें इस प्रकार बातचीत किए बिना कैसे मालूम होता। हाँ।